एक समय था जब गरीबी से लड़ने की जरूरत थी, अब वो समय आया है जब सांप्रदायिकता से लड़ने की जरूरत है। Struggle against communalism can be properly waged by young people like you if you constantly interact with people who around you. People are having so much of myths regarding Muslim community. हमारे खेलों तक पे असर देखने को मिलता है। अपने निजी स्वार्थों के लिए, निजी लाभ के लिए वो पूरे शहर का, पूरे समाज का माहौल बिल्कुल खराब कर देता है। I refuse to believe that a majority of our media is spreading hate or prejudice. आपस में इस तरह की चीजें चलती रहे, समाज बटा रहे, उनको रोटियां सीखने का जो मौका मिलता रहे। Generally, the people who perpetuate these crimes, they get away without getting any punishment. Suppose such a carnage breaks out around you, what are you going to do? Don't forget Afghanistan. Don't forget Taliban. Don't forget that these are the consequences of great internal strife produced by the same factors at work in our part of the world. Don't forget that. Fascism in India will not come in the form in which it has come in Europe. Fascism in India will come in the form of communism. Even if not in the short run, I'm quite optimistic in the long run it will be defeated. It has to be defeated because it cannot survive. Because history has not been shaped like this. And history will come to the rescue of the future of a great nation like India. आठ साल पहले अपने सर्वोच्च न्यायालय में बंबई के दो चुनाव याचिकाएं विचार के लिए आईं। वो दोनों शिवसेना के लोग थे और बंबई हाई कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, यानी वो अपनी सीट से वो हटा दिए गए थे। वो इसलिए हटा दिए गए थे कि अपने प्रचार में उन्होंने हिंदुत्व और धर्म का बार बार इस्तेमाल किया था और ये करना प्रतिनिधित्व वाला जो कानून है उसके खिलाफ जाता है। वो लोग सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट में जब उन मामलों की सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी तय करना था कि हिंदुत्व और हिंदुज़म की जब बात हो तो वो चुनाव में करप्ट प्रैक्टिस यानी भ्रष्टाचारी तरीका माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे अपने जगदीश शरण वर्मा भी उस वक़्त उस बेंच पर मुखिया थे। वो
जजमेंट देते वक्त वर्मा जी ने जो सबसे गजब की बात की, जो कि आज तक कभी नहीं हुई थी, वो ये किया कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म को उन्होंने एक ही अर्थ में ग्रहण किया और एक ही अर्थ में समझाने की कोशिश की। आप पूरा विवेकानंद का विवेचन पढ़कर देख लें, आप डॉक्टर राधाकृष्णन की सारी पुस्तकें पढ़कर देख लें, मोनियर विलियम्स की पुस्तकें देख लें, किसी ने भी धर्म के लिए हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। 1923 तक तो महात्मा गांधी भी भारत में आ गए थे और तब तक उनका धर्म पर लिखा हुआ काफ़ी कुछ लोगों के सामने आ गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने भी धर्म के लिए कभी हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। सावरकर के पहले जितने भी लोगों ने धर्म पर बातचीत की है या हिंदुइज्म पर बातचीत की है, उनमें से किसी ने भी हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1923 में वीर सावरकर की इस पुस्तक में हुआ है। उसका प्रमाण इसी में दिया गया है। इसके प्रकाशक थे केलकर, जो कि एक बहुत बड़े वकील होते थे। अब ये जो केलकर सज्जन हैं, वो कह रहे हैं कि वीर सावरकर को धर्म, हिंदुइज्म, हिंदू आदि चीज़ों को समझाने के लिए कई नए शब्द चलाने पड़े। ही हैड टू कॉइन न्यू वर्ड्स, और उसमें उन्होंने हिंदुत्व नाम के शब्द का भी को भी चलाया। केलकर ने ये भी कहा कि हिंदुत्व कोई हिंदू धर्म की या हिंदू रिलीजन की परिभाषा नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है। इसलिए हिंदुत्व को जब भी आपके सामने रखे तो आपको उसको राष्ट्रीयता की यानी नेशनैलिटी के रूप में देखना चाहिए, उसको धर्म के नाते नहीं देखना चाहिए। आप पाएंगे कि बीजेपी वाला हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का हो, चाहे बजरंग दल का हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हो, वो ये बताने की कोशिश करेगा कि जो हिंदू धर्म है वही हिंदुत्व है। इसलिए आप लोग तो ऑलरेडी पहले से ही हिंदू राष्ट्र के नागरिक हैं। राष्ट्र एक राजनैतिक अवधारणा है, वो एक धार्मिक या सामाजिक अवधारणा नहीं है, क्योंकि इस देश में मेरी नागरिकता मेरे धर्म से तय नहीं होती है। मैं इस देश में रहता हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, इसलिए मैं इस राष्ट्र का नागरिक माना जाऊँगा। संघ संप्रदाय वाले या जितने भी उनके अलग अलग मुख से वो जो बोलते हैं, इनकी बड़ी योजना पूरे देश को हिंदू राष्ट्र की तरह संगठित करने मात्र की नहीं है। इनकी बड़ी योजना ये है कि आप इस देश से धर्म की जगह हिंदुत्व की स्थापना करें, यानी लोगों के मन में जो धर्म की जगह है वो हिंदुत्व की जगह हो जाए। वीर सावरकर नास्तिक व्यक्ति थे। जब उनकी पत्नी का निधन हुआ तो उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार करने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनके घर के बाहर महिलाओं ने बाकायदा धरना दिया, इसके बावजूद वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं गए। और जो उन्होंने अपना वसीयतनामा लिखा, उसमें उन्होंने लिखा, सारे जीवन मैंने चीज़ों पर विश्वास नहीं किया, मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे जब मृत्यु हो जाए तो धार्मिक रीति से मेरा कोई संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। वो भगवान में भी विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने ये बहुत साफ साफ कहा है, हिंदू धर्म जो है वो हिंदुत्व का एक छोटा सा हिस्सा है, वो उससे निकलकर आया हुआ अर्थ है। यानी हिंदुत्व बहुत बड़ी चीज़ है
और हिंदुइज्म जिसको हिंदू धर्म अपन कहते हैं वो उससे निकल कर आया हुआ एक छोटा सा अंश है। धर्म और हिंदुत्व को अलग न करने के कारण ये भ्रम अपने दूसरे धर्म वाले लोगों में फैला है। दूसरे धर्म वाले कौन? जैन धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले, सिख धर्म वाले लोगों को हिंदुत्व से एतराज होता है क्योंकि वो समझते हैं कि हिंदुत्व ही हिंदू धर्म है। यानी जैसे जैसे आप ये किताब पढ़ते जाएंगे हिंदुत्व और हिंदुज़म का क्या फ़र्क है ये आपको स्पष्ट होता जाएगा। ये कह रहे हैं हिंदुइज़म में जो अस्पष्टता, जो परिभाषाहीनता है वो दूर करिए और हिंदुत्व को हिंदुइज़म से अलग करके समझिए, क्योंकि हिंदुत्व और हिंदुइज़म दो आइडेंटिकल समान चीज़ें नहीं हैं। ऐसा खुद विनायक दामोदर सावरकर कह रहे हैं, जो कि हिंदुत्व के प्रणेता हैं, जिनने हिंदुत्व शब्द निकाला है और जिनने हिंदुत्व नाम की विचारधारा इस देश के सामने पहली बार रखी थी। वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें बताने की मेरे लिए ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे बताना पड़ा क्योंकि हिंदुत्व के सांस्कृतिक पक्ष को स्वीकार करने की बात पर कोई विवाद नहीं होता अगर हिंदुइज्म और हिंदुत्व के बीच कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। हमने इस पुस्तक में पीछे समझाने की कोशिश की है किस तरह से हिंदुइज्म को सिर्फ सनातन धर्म मानने की कोशिश की जाती रही है। पेज 3 का जो बात मैंने आपको बताई थी, पेज 99 पर भी वो कह रहे हैं। अब जब बिचारे सावरकर ने इतनी कोशिश कर करके हिंदुत्व और हिंदू धर्म को दो अलग अलग चीज़ें बताई, तो भाई हमारी सुप्रीम कोर्ट को ऐसी क्या पड़ी थी कि उसने हिंदुत्व और हिंदुइज्म को एक करके बताया। इससे हिंदुत्ववादियों को जो ताकत मिली है उसको ज़रा समझने की कोशिश करिए। आप मुसलमान हो तो भी धर्म शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ईसाई हों तो भी आप धर्म शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिख हों तो भी धर्म शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिसको हिंदू धर्म कहकर जानते हैं उसमें आप वेद को माने न माने इसकी आपको पूरी छूट है। पहली बार दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का मूवमेंट चलाया तो उन्होंने कहा कि वेद जो हैं वो ही इस धर्म की मुख्य चीज़ हैं। उसके पहले वेद को ही अंतिम प्रमाण मानने का अपने यहाँ कोई परंपरा नहीं थी, बल्कि गांव के लोग तो अपने जो सीमा होती है गांव की वहाँ कोई ओटला बना दें और उसके ऊपर एक पत्थर रख दें और उस पर सिंदूर चढ़ा दें और उसको वो चाहें तो हनुमान कह सकते हैं, उसको वो चाहें तो भेरू कह सकते हैं, जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। और गांव वाले आप देखेंगे कि उसको ही अपने ग्राम देवता की तरह पूज कर जाते हैं। देश भर में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भगवान है वो है शिव, यानी राम का भी ज़्यादा असर आपको उत्तर भारत में दिखाई देगा, कृष्ण का भी ज़्यादा असर उत्तर और पश्चिम और पूर्व में दिखाई देगा। दक्षिण में जो मुख्य भगवान है वो आखिर शिव माना जाता है और शिव पूरे देश में ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भगवान है। उसको अगर आप वट वृक्ष के नीचे बैठा दें तो आप उसको वटेश्वर महादेव कह सकते हैं, पीपल के नीचे बिठा दें तो वो पीपलेश्वर महादेव हो जाएंगे। अगर आप उनको हाट में, यानी जो गांव वाले जो यानी आदिवासी लोगों का जो हाट लगता है वहाँ ले जाकर बिठा दें तो उसका नाम हाटेश्वर महादेव हो जाता है। ये जो बिल्कुल एक प्रकार की पूरी आज़ादी, खुला खेल फरुक्काबादी जो इसमें चलता है उसका कारण ये है कि इस धर्म में एक कोई काम निश्चित रूप से आप करें तो ही आप उस धर्म को पालन करने वाले होंगे, ये कतई नहीं। मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, मेरा ब्राह्मण होने पर कोई अधिकार नहीं है, यानी मैं अपने माँ बाप को ये नहीं कह सकता था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्मूंगा नहीं, ये उनकी मर्जी थी जो मेरा उनके यहाँ जन्म हुआ। अब वो ब्राह्मण थे इसलिए मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरी जनेऊ नहीं है, मेरी आप देखेंगे चोटी भी नहीं है, मैं मंदिर भी नहीं जाता हूँ,
मैं सवेरे उठकर कोई भगवान के सामने प्रार्थना भी नहीं करता हूँ। मैं कोई ऐसा काम जो कि ब्राह्मण को करना चाहिए मैं नहीं करता हूँ। इसके बावजूद मेरे ब्राह्मण होने पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर सकता। जब इन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई तो मैंने ये कहा था, आपके यहाँ एक आदि शंकराचार्य हुए, वो केरल के काली नाम की जगह से निकले और अकेले निकले और पूरे देश में घूमकर उन्होंने बौद्ध धर्म के विरुद्ध वैदिक धर्म की स्थापना की, लेकिन वो अपने साथ 2 लाख कार सेवक लेकर नहीं निकले थे। तो अब वो बिचारी अपने माँ के अकेले लड़के थे। जब उनकी माँ की मृत्यु हुई तो वो अपने गांव आए कालड़ी, वो आकर कहा अपने नम्बूद्रीपाद ब्राह्मणों को इकट्ठा करके कि इसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में तुमने संन्यास लिया है, इसलिए हम तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं जाएंगे। उस आदमी का भी सोशल बायकॉट इन ब्राह्मणों ने किया और माँ का अंतिम संस्कार करने से इनकार किया। वो व्यक्ति है जिसने पहली बार, जिसको आप दशनामी संप्रदाय बोलते हैं, वो उनको हिंदुओं में इंट्रोड्यूस किया। शंकराचार्य के पहले आप पाएंगे कि हिंदुओं में कोई संप्रदाय नहीं था। वो शंकराचार्य ने इसलिए किया कि वो बौद्ध धर्म से टक्कर ले रहे थे और बौद्ध धर्म कहता था, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यानी साधुओं का संघ दुनिया में पहली बार, यानी किसी भी धर्म में पहली बार बना तो वो भगवान बुद्ध ने बनाया। वो दशनामी संप्रदाय बनाने वाले शंकराचार्य ने भी ये व्यवस्था नहीं दी कि कोई शंकराचार्य चाहे तो किसी को कह सकता है कि ये नहीं करोगे तो तुम हिंदू रहोगे, ये करोगे तो हिंदू नहीं रहोगे। उन्होंने ये व्यवस्था भी नहीं दी कि चारों शंकराचार्य को इकट्ठा करके कोई ग्रैंड काउंसिल बनाई जाए और वो ग्रैंड काउंसिल तय करे कि हिंदुओं को ये करना है ये नहीं करना है। और मज़ा देखिए, जिसको ये लोग यानी अपने संघ संप्रदाय वाले सबसे ज़्यादा लोगों के सामने रखते हैं वो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने पुस्तकें लिखी हुई है, 8-12 उनके वॉल्यूम हैं, उसमें कहीं आपको हिंदुत्व शब्द दिखाई नहीं देगा। और संघ संप्रदाय वाले जिस एक महापुरुष को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं वो हैं स्वामी समर्थ रामदास। पहले रामदास की फोटो के आगे ये लोग शपथ लिया करते थे और उन्होंने पहली बार बजरंग बली की स्थापना करके अखाड़ों के साथ उन्होंने जोड़ा। जब संप्रदाय बने और 10 संप्रदाय चलने लगे तो आप जानते हैं कि शंकराचार्य के निर्वाण के कोई 100 साल के भीतर ही तमिलनाडु से यानी पास के स्टेट से रामानुजाचार्य आए और रामानुजाचार्य ने जिसको आप वैष्णव संप्रदाय कहते हैं उसकी स्थापना की। अब शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के साधुओं में इतनी बुरी तरह से लड़ाई होती थी कि ये जो सिंहस्थ होते हैं या जो कुंभ मेला होता है या कोई और होता है तो वहाँ वो एक दूसरे को मार देते थे। कई शैव संप्रदाय के लोग ये शपथ लेते थे कि जब तक 5 वैष्णवों के सिर में लेकर नहीं आऊँगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊँगा। और उसी प्रकार से वैष्णव संप्रदाय के लोग कहते थे कि जब तक शैव संप्रदाय के किसी एक आदमी का या 5 आदमी के सिर नहीं लाऊँगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊँगा। ये जितने भी अखाड़े हैं ये सब अपने संप्रदाय की रक्षा करने के लिए बनाई गई छोटी छोटी सेनाएं थी। हिंदुत्व एक राजनैतिक संप्रदाय है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके अखाड़े हैं। जो काम अखाड़े वहाँ करते हैं यानी संप्रदायों में करते हैं वही हिंदुत्व नाम के राजनैतिक संप्रदाय में इन अखाड़ों का रोल है। अब जिसमें मुझे जो ठीक लगता है उसको मैं पालन करने के लिए स्वतंत्र हूँ,
इस तरह की इजाज़त है, वो धर्म संगठित धर्म हो ही नहीं सकता। और ये मत मानिए कि ये कोई गलती से हो गया है कि बेचारे सावरकर पहले नहीं जन्मे या हेडगेवार पहले जन्म नहीं लिया इसलिए ये धर्म ऐसा रह गया बेचारा। तो ये जब कहते हैं ना कि हिंदू धर्म तो बड़ा मुश्किल में पड़ा हुआ है, खतरे में है, इसलिए तलवार लेकर खड़े हो जाओ आदि आदि बात करते हैं, बिल्कुल बंडलबाजी की बात करते हैं। इसी से वीर सावरकर बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि पूरे हिंदुओं को एक शक्तिशाली राष्ट्र में संगठित करना है, जिस प्रकार से कि हिटलर सारे जर्मन लोगों को एक शक्तिशाली राष्ट्र में संगठित करना चाहता था। और ये आश्चर्य की बात नहीं है कि वीर सावरकर ने एक जर्मन विचारक ब्लंटशली का ये विचार ग्रहण किया कि एक देश में एक कोई रेस राष्ट्र होता है, यानी भारत में रहने वाले हिंदू ही इस देश के राष्ट्र हैं, बाकी लोग उससे बाहर हैं। ये अवधारणा जर्मन अवधारणा है। अब मज़ेदार बात यह है कि आप इस देश की कोई भी भाषा देख लीजिए, आप पाएंगे कि रेस के लिए कोई शब्द नहीं है। सावरकर ने रेस के लिए जाति शब्द का इस्तेमाल किया। अगर रेस के लिए जाति शब्द का आप इस्तेमाल करें तो इस देश में 32,000 को कितनी जातियां अपने यहाँ हैं, तो इतनी रेस अगर यहाँ रह रही हों तो ये हिंदू राष्ट्र कभी हो ही नहीं सकता। रेस शब्द के लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है, बंगाली में कोई शब्द नहीं है, मराठी में कोई शब्द नहीं है, किसी भी भारतीय भाषा में रेस के लिए शब्द नहीं है। ये ही पर्याप्त है ये समझने के लिए कि जो ये कहते हैं कि हिंदू जाति या हिंदू राष्ट्र एक अलग राष्ट्र है, वो लोग अपनी परंपरा में से निकले हुए लोग नहीं। वीर सावरकर ने एक श्लोक बनाया है जो कि हिंदुत्व का वर्णन करने वाला श्लोक है। आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका, यानी उस सिंधु नदी से उस सिंधु समुद्र तक जो बीच में है वो भारत की भूमि है। पितृभू पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृत, यानी सिंधु से सिंधु तक जो देश है भारत नाम का, उसको जो अपनी पितृभू मानता है, जो अपनी पुण्यभू मानता है, वही हिंदू है और उसी नाते इसको आपको याद करना चाहिए। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने किसी भी ग्रंथ में पितृभू नाम का कंसेप्ट, पितृभू नाम की कोई अवधारणा आपको नहीं मिलेगी। पितृभू सीधे की सीधी जर्मनी से, जिस तरह से रेस और नेशन जिस तरह से लिया गया जर्मनी से, वैसे ही जर्मनी से फादरलैंड लिया गया है और फादरलैंड का संस्कृत में अनुवाद पितृभू किया गया है। इसके बाद उन्होंने पुण्यभू कहा है, यानी दो क्राइटेरिया लगाए हैं उन्होंने, दो कसौटियाँ लगाई हैं कि जो लोग इस देश को अपनी पितृभू मानते हैं, यानी ये हमारा फादरलैंड है, वो हिंदू हुए और उनको हिंदुत्व प्राप्त होगा। दूसरे वो लोग जिनका की पुण्यभू यहाँ है, क्योंकि ईसाइयों की पुण्यभू बाहर और मुसलमानों की मक्का मदीना बाहर, इसलिए मुसलमान और ईसाई हिंदुत्व को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अगर वो हिंदुत्व को प्राप्त नहीं हो सकते हैं तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तब आपको या तो इस देश से सारे ईसाइयों और मुसलमानों को बाहर करना पड़ेगा, या जैसा कि गोलवलकर ने बाद में कहा, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनकर यहाँ रहना पड़ेगा। इसलिए दो बातें आप लोगों को ज़रूर समझाइए कि एक तो धर्म अलग चीज़ है और हिंदुत्व अलग चीज़ है, दूसरा भारत अलग चीज़ है और हिंदू राष्ट्र अलग चीज़ है। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा,
जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह